जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले भगवान भर्तृहरि जी को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा नीलकंठ महादेव और नीलकंठ महादेव में विराजे हुए सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा मोहनदास जी, श्री शीतलदास जी, संतदास जी और महाराज केतानाथ जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और ये वीर भूमि यहां कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और ये वीर भूमि है। यहां के हर एक घर से वीर माताओं ने अपना बेटा देश की रक्षा करने के लिए भेजा है और यही के सपूतों ने देश को सुरक्षित करने के लिए भेजा है। भाई और बहनों, आज मैं इस वीर भूमि के महान योद्धा शिषपाल सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो वीर भूमि है, इसके जवानों को और वीर माताओं को, वीरांगनाओं को मैं कहने आया हूं, 40-40 साल से कांग्रेस पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था इंदिरा जी के जमाने से, मगर उसको पूरा नहीं किया था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 2015 में ही वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर सारे हमारे जवानों के परिवारों का सम्मान करने का काम किया। मित्रों, आज मेरे मित्र और भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव जी के प्रचार में मैं आया हूं। भूपेंद्र जी, इन्होंने मेरे साथ संगठन में भी काम किया है और सरकार में भी, मोदी जी की कैबिनेट में हम दोनों हैं। यहां बहुत सारी माताएं हैं, घर में एक मटकी लेकर लेने जाते हैं तो बरोबर उस पर टकोरा लगाकर देखते हैं पक्की है या कच्ची, देखते हैं या नहीं देखते हैं? भाई जरा बोलो तो, देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो 150-200 रुपये की मटकी को टकोरा लगाते हैं, लोकसभा में प्रत्याशी भेजना है टकोरा लगाकर भेजना। भाई और बहनों, ये मटकी को, ये भूपेंद्र जी को, ये प्रत्याशी को टकोरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, एक क्षेत्र को भूपेंद्र यादव सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। भाई और बहनों, मैंने उनको जब वो नामांकन भर रहे थे शुभकामना के लिए फोन किया, बड़ा पक्का व्यापारी है, वैसे तो यादव है मगर बनियों से भी पक्का है। उसने मुझे कहा, भाई साहब शुभकामना से नहीं चलेगा, खैरथल का विकास होगा तभी मैं नामांकन कर जीत कर आऊंगा। अब चुनने से पहले ही अपने मत क्षेत्र की चिंता करे, ऐसे लोगों को बहुत बड़े बहुमत से चुनकर भेजिए, इस क्षेत्र को हरा भरा करने में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। भाई और बहनों, ये चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, जब मैं कहता हूं तब वैसे ही नहीं कहता हूं, 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का
मोदी जी के पास प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। भाई और बहनों मुझे बताओ, मुझे एक बार आप लोग जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही, राम मंदिर नहीं बना। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 19 से 24 में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी समाप्त कर दिया। और इस 17 तारीख को 525 साल के बाद पहली बार रामलल्ला अपना बर्थडे रामनवमी ये भव्य मंदिर में मनाएंगे। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर तो नहीं बनाया, परंतु जब भूमि पूजन होता था हमने निमंत्रण भेजा, राम जन्मभूमि न्यास ने निमंत्रण भेजा, तो उन्होंने जाने का भी पसंद नहीं किया। एक कांग्रेस पार्टी हमारे गौरव केंद्रों का रख